नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है गौतम बुद्ध के दो शिष्यों के बारे में, जिनसे हमें ये सीखने को मिलेगा कि अपने पास्ट को हमें क्यों भूलना चाहिए और कैसे भूला जाए। गौतम बुद्ध के दो शिष्य होते हैं। एक शिष्य जो बहुत बुजुर्ग हो चुके होते हैं, गौतम बुद्ध के साथ रहते रहते, गौतम बुद्ध के साथ उनके मठ में उनको रहते हुए बहुत वक्त गुजर चुका होता है, तो वो बुजुर्ग हो चुके होते हैं, जिन्हें हम सीनियर शिष्य मानते हैं। और एक और शिष्य होता है जो युवा होता है, जो अभी नए नए भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बने हैं। उन्होंने अभी गौतम बुद्ध के साथ मठ में रहना शुरू किया है और वो भी साधु का रूप धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं और धीरे धीरे मोक्ष पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो बुजुर्ग शिष्य हैं, जो सीनियर शिष्य हैं भगवान गौतम बुद्ध के, उनकी तरह मोक्ष पाना चाहते हैं, भिक्षु बनना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं, मोह माया से दूर होना चाहते हैं और मोक्ष पाना चाहते हैं। तो ये दो शिष्य हमेशा साथ रहते थे, एक शिष्य जो बुजुर्ग हैं और एक शिष्य जो युवा हैं। ये दोनों भिक्षु, ये दोनों साधु या ये दोनों शिष्य हमेशा साथ रहते थे और साथ में ही पास के गांव में जाकर, क्योंकि इनका मठ जंगल के बीच में था, तो वहां से पैदल चलकर और एक नदी आती थी बीच में, उस नदी को पार करके ये लोग पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे और फिर वही भिक्षा से वो आकर अपना भोजन ग्रहण करते थे अपने मठ में आकर। तो भगवान गौतम बुद्ध के ये दोनों शिष्य इसी तरह से अपना डेली का काम, इसी तरह से रोजाना अपना भोजन ग्रहण करते थे और मोक्ष पाने की कोशिश में थे। तो एक बार ये लोग गांव से भिक्षा ग्रहण करके वापस मठ की ओर लौट रहे थे, तो उसी वक्त तेज बारिश होने लगती है। अब तेज बारिश हो रही है, इसलिए जो बीच में नदी पड़ती थी, जो मठ और गांव के बीच में नदी पड़ती थी, उस नदी में पानी का उफान ज्यादा हो गया। पानी का उफान ज्यादा होने की वजह से नदी पार करना थोड़ा मुश्किल हो चुका था। पर ये लोग साधु थे, इनका डेली का काम था, ये लोग भिक्षु थे, इनका डेली का काम आना जाना था, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो वही बारिश हो रही थी और पानी का उफान ज्यादा था, रात हो रही थी, ये लोग दोनों जो है अपने मठ की तरफ जा रहे थे। तो जैसे ही नदी किनारे ये लोग पहुंचते हैं, वहीं एक महिला की आवाज इन्हें सुनाई देती है, जो अपनी आवाज में इनसे मदद मांग रही थी। तो महिला की आवाज सुनते दोनों चौंक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अब जैसे इधर उधर वो लोग देखते हैं, तो उन्हें एक महिला नजर आती है जो बहुत सुंदर कन्या थी, बिल्कुल मान लीजिए जैसे कि कोई अप्सरा हो, मान लीजिए कि कोई परी हो, इस तरह की एक खूबसूरत लड़की, खूबसूरत कन्या उनकी नजर के सामने होती है, जो उनसे मदद मांग रही थी और पूरी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई। अब अपने आप को स्वर्ण आभूषणों से उन्होंने सजा रखा है सुंदर कन्या ने, तो उनकी सुंदरता और निखर के आ रही थी। तो अति सुंदर होने की वजह से ये लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और दोनों उनकी मदद के लिए वहां पर पहुंच गए। और कन्या की ने जब मदद मांगी, तो मदद मांगते उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और मैं अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने आई थी, और शिकार करते वक्त ये तेज बारिश होने लगी और मेरे सैनिक इधर उधर हो गए और मैं रास्ता भटक गई हूँ, और अकेले होने की वजह से ये मैं नदी पार नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप लोग मुझे ये नदी पार करवा देंगे, जिससे मैं अपने घर लौट सकूं, क्योंकि रात होती जा रही है, मेरे पिताजी मेरी चिंता कर रहे होंगे। तो बस यही सुनते ये दोनों चौंक पड़े, और कोई भी फैसला लेने से पहले उन दोनों के मन में एक बात याद आई कि हमारे गुरुजी ने, भगवान गौतम बुद्ध ने मना किया था कि किसी भी नारी को आपको स्पर्श नहीं करना है, किसी भी नारी को आप टच नहीं कर सकते। तो अब ये बात दोनों के मन में आई, और दोनों के मन में आते ही वो दोनों कंफ्यूज हो गए, विपदा में पड़ गए कि अब वो दोनों अब क्या करें। तो जो बुजुर्ग थे, उनका डेली का काम था, वो प्रैक्टिस थी, वो कई सालों से इस काम को कर रहे थे, तो उनके अंदर एक कंट्रोल था, और उन्होंने उस कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए, उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को रोका और उस कन्या की बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन जो युवा थे, उन्होंने फटाफट से उस कन्या को अपने कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा के फटाफट नदी पार करवा दी और नदी के उस किनारे पर महिला को उतार दिया और मठ की तरफ चल पड़े। अब जो बुजुर्ग भिक्षु थे, जो सीनियर भिक्षु थे, उनके अंदर एक तरह से गुस्सा आ गया कि भगवान गौतम बुद्ध के मना करने के बावजूद भी इसने महिला को स्पर्श किया, जो कि बहुत गलत है। इसने एक तरह से हमारे भगवान की, हमारे गुरु की बात को ठुकराया, और इसीलिए मैं भगवान से कहता हूं युवा शिष्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के फैसले लेने की ताकत नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं अपना धैर्य खो देता है और भगवान के मना करने के बावजूद भी इस तरह के फैसले ले लेता है। तो गुस्से में उन्होंने भी नदी पार करे और दोनों बिना बात किए धीरे धीरे मठ में पहुंच गए। दोनों एक दूसरे से बात अब नहीं कर रहे थे, तो युवा शिष्य बिल्कुल मग्न थे, वो अपने दिनचर्या के हिसाब से अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो बुजुर्ग थे,
जो बूढ़े थे और जो बहुत दिनों से इस काम को कर रहे थे, जो उनके पुराने शिष्य थे भगवान के, तो उन्होंने इस बात को अपने मन में बिठा के रखा और वो सोचते रहे कि कब मैं भगवान को ये बात बताऊं, कब भगवान गौतम बुद्ध तक ये बात पहुंचे और वो इसे दंड दें। पूरा दिन बीत चुका था, रात हो गई, रात को उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो बुजुर्ग शिष्य थे वो फटाफट से भगवान गौतम बुद्ध के पास गए और जो भी आज हुआ उस बारे में सब कुछ भगवान गौतम बुद्ध को बता दिया। चिल्ला चिल्ला के बताने लगे और सब कुछ कहने लगे कि आपके मना करने के बावजूद ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ और ये और वो। अब भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत शांतिपूर्वक सारी बात को सुना और फिर युवा शिष्य को अपने पास बुलाया। युवा शिष्य को पास बुलाने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या ये सही कह रहे हैं, क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है, आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा ये बता रहे हैं। तो युवा शिष्य थोड़ा मुस्कुराए और सोचने लगे कि ऐसा कब हुआ था, और थोड़ी देर सोचने के बाद, दिमाग में जोर देने के बाद वो कहे, हाँ हाँ हाँ, आज शाम को मैंने एक कन्या को अपने कंधे पे बैठा के नदी के इस किनारे से उस किनारे पे उतार दिया था, और मैंने तो नदी के उस किनारे पे ले जाके उस महिला को उतार दिया था, लेकिन मैं भगवान आपसे क्षमा चाहता हूँ ये कहने के लिए कि मैंने तो उस कन्या को वहीं उस किनारे पे उतार दिया, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग शिष्य हैं, जो मेरे सीनियर हैं, वो अपने मन से इस बात को नहीं उतार पाए। वो स्पर्श मैं तो भूल गया, वो मेरे मस्तिष्क में भी नहीं है, वो मेरी सोच में भी नहीं है स्पर्श, लेकिन जिन्होंने नहीं छुआ, जिन्होंने सिर्फ ये दृश्य देखा है, वो अपने मन से इस स्पर्श को भुला नहीं पा रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। मैंने तो इस किनारे से उस किनारे पे उस कन्या को उतार दिया और भूल गया सब कुछ कि क्या हुआ था, तो मेरे मन में तो उस चीज को लेके बिल्कुल भी विडंबना है ही नहीं। और ये बुजुर्ग शिष्य जो हैं, इनके मन में ये सारी चीजें अभी भी याद हैं, ये अपने मस्तिष्क में लेके अभी भी उस कन्या को घूम रहे हैं, जो सबसे बड़ा पाप है। और ये बात सुनते ही भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुरा उठे और अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें समझाया कि किस तरह से हमें अपने पास्ट को, अपने भूत को भूल जाना चाहिए। उन्हें मस्तिष्क में लेके घूमने से, उन्हें दिमाग में लेके घूमने से और उसके बारे में ज़्यादा सोचने से हमें ही नुकसान होता है और हमारे ही हृदय को चोट पहुंचती है। और बिल्कुल उस युवा शिष्य का उदाहरण देते हुए कहा कि इसने अपना धर्म भी निभाया, उस कन्या की मदद करना जरूरी था, उस कन्या की मदद भी करी और उस स्पर्श को भूल भी गया, उस कन्या को भूल भी गया, और मस्तिष्क में कुछ ना रहने की वजह से इसे कुछ याद भी नहीं है। जो एक भिक्षु के अंदर आदत होनी चाहिए वो इस युवा भिक्षु के अंदर है, और उसी तरीके से हम सभी को बनना है। सभी शिष्यों को ये संदेश देते हुए गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और बुजुर्ग शिष्य को भी समझाया कि कभी भी जो गलत हुआ हो उस भूत को, उस पास्ट को याद नहीं रखना चाहिए, उससे सिर्फ हमें दुख पहुंचता है और कुछ भी नहीं। तो इस कहानी के बाद तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे साथ भूत में, पास्ट में कुछ भी गलत हुआ है या कोई भी ऐसी चीज हुई है जिसे हमें भूल जाना चाहिए, तो उसे हमें भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि भूलने वाली चीजें याद हैं, इसीलिए तो सारा विवाद है। तो हमें उस सारी बातों को भूल जाना चाहिए जो हकीकत में हमें भूल जाना चाहिए। तो कोई भी ऐसी बात याद ना करें जो हमारे साथ बीत चुकी हो, जिससे हमें सोच के सिर्फ दुख पहुंचे और अपने मस्तिष्क पर बोझ लेकर ना घूमें। तो मुस्कुराते हुए अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि पास्ट को भूलना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।